चलिए अब सीधा रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज ऐसी कौन सी खबर है जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली है? बात है कि एक बड़ी योजना के तहत FSNL जो कि भिलाई में है, जहां मैं खड़ा हूं, ये FSNL का वह कॉरपोरेट ऑफिस है फेरोस्क्रैप निगम लिमिटेड, जहां पर वेस्ट मटेरियल से बेस्ट मटेरियल बनाकर गवर्नमेंट को सप्लाई की जाती है, प्लांट के उपयोग में आती है वो चीजें। और इस वर्षों पुरानी कंपनी के निजीकरण को लेकर अब यूनियनें जो हैं वो लामबंद होने लगी। बड़ी बात है, 8 से 9 यूनियनों की बैठक आज यहां पर FSNL के इस केंद्रीय कार्यालय में रखी गई है, जहां बताया जा रहा है कि दुर्गापुर के अलावा भिलाई और अन्य जगहों पर जहां जहां पर इसके ब्रांचेज हैं उनके यूनियन के जो लीडर्स हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग इनकी 19 से 20 ऐसे भी मांगे हैं जो काफी दिनों से काफी सालों से लंबित हैं, और अनिश्चित भविष्य की वजह से FSNL के कर्मचारी लगातार चिंता की स्थिति में हैं कि अगर किसी निजीकरण के चलते अगर किसी के हाथ में चला गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो ऐसे में उनके भविष्य का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। तो यहां पर ऐसे 3,000 से भी ज्यादा श्रमिक हैं जो FSNL से जुड़े हुए हैं और उनके नेतृत्व करने वाली जो यूनियनें हैं वो आज यहां पर बैठक लेंगी। दूसरी बड़ी बात है मधु जी कि हालांकि स्वाइन फ्लू, डेंगू और मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, बावजूद इसके आज बीती रात बताया जा रहा है कि एक और मरीज की मौत हो गई है स्वाइन फ्लू से। हालांकि इसके पहले तक 3 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न तो स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीरता से ले रहा है न ही लोग, क्योंकि स्वाइन फ्लू सामान्य बीमारी की तरह से ही शरीर में प्रवेश करता है, संक्रमण होता है, और जब तक इस स्वाइन फ्लू के लैब टेस्ट से रिपोर्ट आ जाते हैं तब तक वह और लोगों को फैला चुका होता है। तो इस तरीके से हर 2 दिन में एक नया पेशेंट स्वाइन फ्लू का तैयार हो जाता है और ऐसे में स्थिति और गंभीर होती जाती है। तो इसे लेकर बताया जा रहा है कि लगभग और 20 के आसपास पेशेंट हैं जो दुर्ग भिलाई के अलग अलग अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है, और अगर मामला गंभीर हो जाता है तो ऐसे में संभाले नहीं संभलेगा जिला स्वास्थ्य विभाग, हालांकि एडवाइजरी जारी कर चुका है, बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि जो गंभीरता बरतनी चाहिए वैसी गंभीरता नहीं बरती जा रही है। तीसरी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी लगातार आपराधिक जो गतिविधियां वारदातें बढ़ी हैं उसे लेकर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी, जिसके तहत आज कल बैठक हुई थी और आज बाहों में काली पट्टी बांध कर मौन प्रदर्शन किया जाएगा, और जहां जहां जो जो मुख्यालय हैं, ब्लॉक हैं, जिला हैं, और उन सभी मुख्यालयों में कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने सदस्यों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ इस मौन जुलूस को मूर्त रूप देंगे। मधु जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।